हैू डेव कम बथ लॉन्ग अवेटेड वीडियो ऑन प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश बहुत दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई बोलने के लिए ये सब जो कुछ हो रहा है बोलने के लिए प्रैक्टिस कब होगी तो आज उसी वीडियो को हम लेकर के आए हैं यहाँ पे। बोलने पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे आ, बहुत बार होता है कि आपको बहुत तेज़ी से उड़ान भरना है फ्लाइट से दिल्ली जाना है तो काफ़ी देर तक बैठ करके वेट करना पड़ेगा फ्लाइट का वही हो रहा था अभी तक अभी तक टेंसेस हम पढ़ा रहे थे सो दैट यू कैन हैव अ बेस टू स्पीक इंग्लिश आपको समझ में तो आए प्रैक्टिस कब जब करेंगे तो तो आज उसी प्रैक्टिस के लिए हम आए हैं प्रेजेंट डेफिनेट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे ये चीज़ हम इससे जानेंगे प्रैक्टिस करके तो लेट्स स्टार्ट और प्रैक्टिस ऑन स्पोकन इंग्लिश इन प्रजेंट अफनी टेंस इस टेंस में हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं बात करने में दो चीज़ें होती हैं एक बार हम कुछ पूछते हैं तो दूसरा कोई कुछ बताता है या हमसे कोई कुछ पूछता है हम बताते हैं तो इस तरह से पूछने और बताने वाला सिलसिला जो है इसी को हम कन्वर्सेशन कहते हैं सो लेट्स गो अड हाउ डू वी कन्वर्ट्स हाउ डू वी टॉक विथ पीपल यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रजेंट डेफिनिटेंस जो डेली के रोज़मर्रा दैनिक जीवन में जो चीज़ें हम करते हैं उसको प्रजेंट इन डेफिनिट में हम काउंट करते हैं और उसको बनाने के लिए जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें कैसे सेंटेंस होते हैं वैसे तो बड़ा बोरिंग होता है कि भई उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोरिंग तो लगती हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होती हैं उनको करना यानी कि उनके किए हुए बिना आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं कंफ्यूज्ड आप रह जाएंगे बिना उनको सीखे हुए तो इसलिए टेंसेस को आप ज़रूर सीखें टेंस सीखने के बाद फिर कैसे हम बोलेंगे उस पर प्रैक्टिस करना है पहले हम कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब रखे हुए हैं जो प्रेजेंट डेफिनेट में आते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं लेट्स गो अहेड, डू यू ईट एन एप्पल डेली क्या रोजाना एक सेब आप खाते हैं इस पे और डू यू ईट मैंगो डेली डू यू ईट ब्रेड डेली डू यू ईट एन एग डेली इस तरह से हम आपसे सवाल पूछें तो आप आंसर जब देंगे तो इसका आंसर सबसे पहले क्या बनेगा यू को हम बदलेंगे आई या वी में अगर आप कई लोग हैं तो वी बोलेंगे नहीं तो अपने को आई बोलेंगे उसके बाद ईट है आप यहां पे येस yes या नो no पहले कर दें। अफर्मेशन के लिए येस आई ईट एन एप्पल डेली डू यू ईट मैंगो डेली ये तो मैंगो डेली नहीं खाते हैं बोलेंगे नो आई डों मैंगो डू हैव अट क्या रेन कोट है डू हैव अ पेंसिल क्या पेंसिल है डू यू है पेन क्या आपके पास पेन है डू यू है टी शर्ट क्या, क्या आपके पास एक टी शर्ट है तो आंसर क्या बोलेंगे यू विल बी चेंज येस और नो पहले बोलेंगे ये yes. येस yes, बोलेंगे उसके बाद फिर अगर नो बोलना है हैं तो आप कह सकते हैं नो आई डोंट हैव अ रेन कोट यू को आई में बदलेंगे येस आई हैव अ रेन कोट नहीं है तो क्या बोलेंगे नो नो आई डोंट हैव और डू नॉट हैव आई डोंट हैव अ रेन कोट आई डोंट हैव अ रेन कोट नहीं है तो मना कर देंगे नहीं नो आई डोंट है रेन कोट हम आपसे पूछें शर्ट डू है वाइट शर्ट बोले ये सर है वाइट शर्ट नहीं है नो आई डोंट है वाइट शर्ट नहीं हमारे पास वाइट शर्ट नहीं है डू हैव अ डॉग आपके पास कुत्ता है डू है काउ आपके पास गाय है डू हैव अट क्या आपके पास बिल्ली है आप बोलेंगे है तो बोलेंगे यस आई हैव अ डॉग हां हमारे पास कुत्ता है नहीं है बोलेंगे नो आई डोंट हैव डॉग तो यस में आंसर देंगे तो बोलेंगे यस yes, यू को आई में बदलेंगे आई हैव डॉग नहीं है तो बोलेंगे नो आई डोंट हैव डॉग बोलना आसान लगता है अभी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है सिर्फ जो हमने सवाल पूछा है उस सवाल को कैसे आंसर देना इट्स वेरी सिंपल बहुत ही आसान है इसको बताना और कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं इनको आप जब बोलेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं इसमें आप डॉग को हटा करके दूसरा नाउन ले आइए आपके दूसरे सेंटेंस बनेंगे डो हैओ ये सहाब अकाउ डो हैव अट क्या आपके पास बिल्ली है नो आई डोट हैव अट मेरे पास बिल्ली नहीं है डज योर फादर टीच यू क्या आपके पिताजी आपको पढ़ाते हैं डज योर मदर टीच यू डज योर सिस्टर टीच यू डज योर ब्रदर टीच यू कितने सेंटेंस बन रहे हैं तो पढ़ाते हैं तो बोलेंगे येज माई फादर येस माई फादर योर फादर विल बिकम माई फादर येस माई फादर टीचर्स अब यू हो जाएगा यहाँ पे मी ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट मी होता है आई का ऑब्जेक्ट मी होता है यानी वर्ब के बाद जो फॉर्म आएगा वो ऑब्जेक्ट का फॉर्म आएगा येस माई फादर टीचिस मी हाँ मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते नहीं पढ़ाते नो ही डज नॉट टीच मी नो माई फादर डज नॉट टीच मी डज यू मदर टीच यू येस माई मदर टीचिस मी हाँ मेरी माँ मुझे पढ़ाती हैं तो नहीं पढ़ाती हैं नो माई मदर डस नॉट डस लगा देंगे नॉट के पहले डस नॉट टीच मी डस योर सिस्टर टीच यू क्या आपकी बहन आपको पढ़ाती हैं ये माई माई सिस्टर टीचेस मी टीचेज यहाँ पे जब डस नहीं रहेगा तो मेन वर्ब में एस ई एस लगेगा यहाँ डस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे एस नहीं है अब यहाँ पे देखें तो एस लगा ई एस लगा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस डस योर मदर कुक फूड क्या आपकी माँ खाना बनाती हैं डज योर सिस्टर कुक फूड डज योर फादर कुक फूड क्या आपके पिताजी खाना बनाते हैं नो माई फादर cook फूड माई मदर cooks फूड तो यहां मैंने पूछा हुआ है, does your मदर कुक फूड क्या आपकी माँ खाना बनाती हैं? येस माई मदर कुक्स माई मदर कुक्स फूड हाँ मेरी माँ खाना बनाती हैं। और नहीं बनाती हैं तो नो माई मदर डजेंट बट माई सिस्टर कुक्स फूड नहीं मेरी माँ नहीं मेरी बहन खाना बनाती है आप ऐसे जैसे आपको मर्जी है उस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं तो आइए देखते हैं इसमें क्या सेंटेंस का आंसर बनेगा जो क्वेश्चन पूछा गया है डज योर मदर कुक फूड आप बताना चाहते हैं कि हाँ वो बनाती हैं तो बोलेंगे येस पहले अफर्मेशन येस हाँ योर मदर हो जाएगा माई मदर माई मदर कुक फूड कुक्स फूड डू यू नो हाउ टू स्विम क्या आपको तैरना आता है हाउ टू किस लिए लगाते हैं हाउ टू लगाना ज़रूरी क्यों होता है इसमें हाउ टू के बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं जैसे आप खुद तैर लें तो उसमें हाउ टू आना जरूरी होता है हाउ टू नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब कोई तैर रहा देख करके के बता देंगे कि हाँ ये तैरना इस तरह के काम को तैरना कहते हैं खेलना नहीं कहते हैं तैरना होता है ये तो डू यू नो डू यू नो स्विमिंग तो वो दूसरी चीज़ हो जाती है क्या आपको स्विमिंग आती है यानी स्विमिंग आप जानते हैं तो स्विमिंग जानना देख करके बता देंगे कि ये आदमी जो कर रहा है वो स्विमिंग है या कि खेलना है या दौड़ना है तो हाउ टू इसलिए लगाना जरूरी होता है डू यू नो हाउ टू स्विम डू यू नो हाउ टू रीड उड़ दो डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में हाउ टू का यूज करते हैं हाउ टू के बहुत सारे सेंटेंसेस आप उस तरह लगा सकते हैं जहां पे कोई एक्टिविटी खुद से करना आए खुद से आपको करना आता है तो हाउ टू लगा करके पूछते हैं जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे कि डू यू नो हाउ टू स्विम क्या आपको तैरना आता है यानी तैरना किस तरह से एक्टिविटी की जाती है वो आपको आता है तो आप बताएंगे येस आई नो हाउ टू स्विम हाँ मुझे तैरना आता है नहीं आता है, बोलेंगे नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम डू यू नो हाउ टू स्विम टेलमी ये आई नो हाउ टू स्विम आई नो हाउ टू स्विम हाँ मुझे तैरना आता है ये तो हो गए ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं आप अपने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस क्वेश्चन बनाइए दूसरे से पूछिए जिस तरह हमने बताया है इसी तरह से आप अपने सेंटेंस खुद से बना करके दूसरों से पूछ सकते हैं अब आइए डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन हैं वैसे डब्ल्यू एच के तो पांच क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको बार बार हम यूज़ करके सेंटेंसेस uh, बनाते हैं तो आइए हम इसी से कुछ सवाल पूछते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है हाउ डू यू गो टू स्कूल आप स्कूल कैसे जाते हैं हाउ प्रोसेस पूछता है हाउ का मतलब है कैसे तो हाउ में प्रोसेस पूछा जाता है यानी जाने का तरीका क्या है आप बताइए हाउ डू यू गो टू स्कूल आप बताएंगे को आई में बदल देंगे आई गो टू स्कूल ऑन फुट आई गो टू स्कूल बाई गो टू स्कूल बाई ट्रेन आई गो टू स्कूल बाई मेट्रो जैसे जाते हैं आप उस साधन को यूज करेंगे पैदल जाते हैं ऑन फुट बताएंगे नहीं तो आप बाई बस बाई ट्रेन बाई बाईस जैसे आप जाते हैं उस तरह बताएंगे यानी कि हाउ के आंसर में उस प्रोसेस को बताएंगे जिस तरीके से आप जाते हैं वेर हमेशा जगह पूछता है वेर का मतलब होता है कम प्लेस आस्क वेर आस्क प्लेस वेर डू यू लिव कहां रहते हैं वेर डू यू स्टडी वेर डू यू प्ले वेर डू यू ईट फूड कहां आप खाना खाते हैं तो वेर से आप अपने अनगिनत क्वेश्चंस बना सकते हैं वे डू यू लिव अभी के लिए है आप कहाँ रहते हैं तो यू लिव बन जाएगा आई लिव आई लिव एट सलापुर आई लिव एट बमरोली आई लिव जहां रहते हैं एट लगा करके जगह का नाम बताएंगे आई लिव एट जैसे मैंने एक जगह का नाम बता दिया आई लिव एट सलापुर तो आप अपना बता दें आई लिव एट मी आप अपना बताएं मुझे आई लिव एट आप जहां रहते हैं उस जगह का नाम लेंगे आई लिव एट आई लिव बमरोलीट मनौरी खाना कहाँ खाते हैं आई ईट फूड एट होम हम घर पे खाना खाते हैं आप कहीं और खाते हैं हॉस्टल में खाते हैं तो आप बता सकते हैं आई ईट फूड इन माई हॉस्टल मैं अपने हॉस्टल में खाना खाता हूं ओके विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट किस सब्जेक्ट को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं विच बुक डू यू लाइक मोस्ट विच स्कूल डू यू लाइक मोस्ट विच गेम डू यू लाइक मोस्ट विच प्लेस डू यू लाइक मोस्ट कितने सवाल आप बनाएंगे विच से यू कैन मेक इनमेमोरेबल क्वेश्चन मेरिट्स ऑफ क्वेश्चन यूजिंग विच या हमने विच के साथ सब्जेक्ट को लिखा हुआ है आप विच के साथ पेन विच के साथ बुक विच के साथ प्लेस तो आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है तो आई लाइक आई लाइक जोग्राफी मोस्ट जोग्राफी जोग्राफी सबसे ज्यादा हमें पसंद है तो जोग्राफी लिख दिया आई like, लाइक आपको कुछ और पसंद है आई लाइक हिस्ट्री मोस्ट आई लाइक इंग्लिश मोस्ट आई लाइक मैथमेटिक्स मोस्ट न राइट डाउन अकॉर्डिंग टू योर आंसर आपका जो जवाब बनता है उसके हिसाब से आप लिखेंगे तो विच सब्जेक्ट की जगह पर हमने जोग्राफी लिखा जोग्राफी सब्जेक्ट को वेन डू यू स्टडी एट होम घर पे आप कब पढ़ते हैं तो कब पढ़ते हैं वेन के आंसर में यू हैव टू टेल्व टाइम वक्त बताना है समय वेन डू यू स्टडी एट होम घर पर कब पढ़ते हैं आई स्टडी इन द इवनिंग शाम में पढ़ते हैं इन द इवनिंग आई स्टडी इन द इवनिंग एट होम हम शाम में घर पे पढ़ते हैं आप अपना आंसर बता सकते हैं आई स्टडी इन द मॉर्निंग आई स्टडी एट नून आई स्टडी एट नाइट विच डिश डू यू लाइक मोस्ट कौन सा डिश सबसे ज्यादा आपको पसंद है सो विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट कौन सा फल आपको सबसे ज्यादा पसंद है च विच स्कूल डू यू लाइक मोस्ट कौन सा स्कूल सबसे ज्यादा आपको पसंद है विच गेम डू यू लाइक मोस्ट कौन सा गेम आपको सबसे ज्यादा पसंद है तो यहाँ डिश की बात है यू हैव टू आंसर इट तो आपको सबसे ज्यादा डिश कौन सी पसंद है किस uh, डिश को सबसे ज्यादा पसंद करेंगे uh, किसी को खीर पसंद है किसी को मटन पसंद है किसी को चिकन पसंद है किसी को पनीर पसंद है तो आप बता सकते हैं आई लाइक आई लाइक मटन करी आई लाइक वेज पनीर सो यू कैन राइट आई लाइक पनीर मोस्ट आपको जो पसंद है आप उसको बता सकते हैं आप सबसे ज्यादा कौन सा डिश पसंद करते हैं यू कैन टेल द डिश ऑफ योर लाइकिंग क्स्ट क्वेश्चन वाई डज योर फादर बीट यू तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों पीटते हैं मे बी यू आर अ नोटी बॉय हो सकता है आप शरारती बच्चे हों इसके लिए आपके पिताजी पीटते हैं तो यहाँ पर रीजन बताना वाई के आंसर में रीजन बताना है कि इसलिए पीटते हैं आप आंसर कह सकते हैं माई योर फादर विल बिकम माई फादर आप बोलेंगे योर फादर को जब आप आंसर देंगे तो उसको माई फादर बना करके बोलेंगे माई फादर बीट्स अब यहां डज हटेगा तो बीट में एस लग जाएगा माई फादर बीट्स यू हो जाएगा मी माई फादर बीट्स मी बिकॉज नॉट ई बॉय मैं एक शरारती लड़का हूं इसलिए पीटते हैं माई फादर राइट डाउन द आंसर माई फादर बीट्स मी बीट्स मी बिकॉज बिकॉज आई एम आ नॉटी बॉय नोटी बॉयसर हो गया Why does your mother scold you? तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों डांटती है स्कोल्ड मतलब डांटना अगेन यू हैव टू टेल द रीजन माँ तुम्हारी क्यों डांटती है अब योर मदर को आप एंसर देंगे तो इसको बोलेंगे माई मदर स्कोल्स एस लगा देंगे यहां पर डी के बाद स्कोल्स यू हो जाएगा मी माई मदर स्कोल्स मी राइट डाउन द आंसर माई मदर स्कॉल्स मी किस लिए बिकॉज रीजन बताएंगे बिकॉज आई डोंट हेल्प माई यंग ब्रदर अपने छोटे भाई की मदद नहीं करते हैं इसकी वजह से माँ डांटती है तो रीजन ये हो गया आई डोंट हेल्प माई यंग ब्रदर अपने छोटे भाई की हेल्प नहीं करते हैं इसी कारण माई मदर मेरी माँ मुझे फटकारती है डांट लगाती है आई हेव टोल्ड यू हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन अब आप अपने सवाल दूसरे से पूछ सकते हैं आपको अगर पूछना है मान लो कि इस तरह से आप दूसरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए वाई डू यू नॉट स्टडी एट होम घर पे आप क्यों नहीं पढ़ते हैं वेन डू यू गो टू प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेलने आप कब जाते हैं तो आई होप यू विल मेक यूर ओन सेंटेंसेस आई थिंक यू फाइंड इट वेरी ईजी हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेज ऑन द बेिस ऑफ द स्ट्रक्चर यू वाइल्ड टीचिंग टेंसेज टेंस पढ़ाते हुए मैंने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बताए हैं उसके बेस पर आप अपने ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं अब हम आपको एक कहानी सुना करके उससे सवाल पूछते हैं देखते हैं आप कितना आंसर दे पाते हैं। उस कहानी के अकॉर्डिंग सवाल हम बनाएंगे और कहानी में आंसर लिखा हुआ है यू हैव टू एंसर द क्वेश्चन दैट आल गिव यू लेटर ऑन आफ्ट आई टेल यू द स्टोरी सो लिसन द स्टोरी

रेगुलर पढ़ाई करता है ही हेल्प्स पुअर एंड ओल्ड पीपल वो मदद करता है गरीब और बूढ़े लोगों की एवरी वन इन हिज नेबरहुड लाइक्स हिम उसके पड़ोस में हर कोई से पसंद करता है एवरी वन इन हिज नेबरहुड लाइक्स हिम सारे प्रेजेंट डेफिनेट में हैं यानी कि ये रेगुलर एक्टिविटीज रूटीन एक्टिविटीज हैबिचुअल एक्शंस ये सारी चीज़ें इसमें आपको सुनाई पड़ रही है हिज पेरेंट्स लव हिम उसके पेरेंट्स उसे बड़ा प्रेम करते हैं वन डे ही विल सर्व द नेशन आफ्टर ही ग्रोज अप वन डे He will serve the nation. एक दिन वो देश की सेवा करेगा After he grows up, बड़े हो करके बड़े होने के बाद यानी बड़े बड़ा हो जाएगा बड़ा हो करके देश की सेवा करेगा तो ये कहानी थी राहुल के बारे में स्टोरी uh, बार, केयरफुल तीन बार स्टोरी को सुनेंगे सुनने के बाद मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं यू हैव टू एंसर दिज क्वेश्चन आंसर आपका इसी कहानी में है बहुत ढूंढना नहीं है बल्कि आप ध्यान से उसको सुनेंगे आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा नाउ लिसन द स्टोरी केयरफुली देन आंसर द क्वेश्चन यू हियर हाउ इज राहुल राहुल कैसा है तो इस कहानी में आपको इसका आंसर होगा फर्स्ट टाइम गोइंग टू गिव यू एज एन एग्जाम्पल फॉर दैट उसका मैं उदाहरण दे देता हूं ताकि आपको आंसर uh, देने में आसानी हो जाए मैंने एक uh, कहानी में बताया था कि राहुल एक ईमानदार लड़का है हाउ इज राहुल राहुल कैसा है राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय इस आंसर ये इसका जवाब हो जाएगा राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू वे डज ही गो डेली वो कहा रोजाना जाता है विच पोजिशन डज ही स्टैंड इन क्लास क्लास में किस पोजिशन पे वो आता है क्या रैंक उसकी होती है क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन वे डज ही स्टडी रेगुलरली रेगुलरली कहाँ वो पढ़ाई करता है फिफ्थ क्वेश्चन हुम डज ही हेल्प किन की वो मदद करता है हु लाइक्स हिम कौन लोग उसे पसंद करते हैं कौन उसे पसंद करता है हु कौन उन्हें उसे प्रेम करते हैं यानी कौन लोग उसे प्रेम करते हैं ये आपको बताना है द लास्ट क्वेश्चन वच विल ही डू वन डे एक दिन वो क्या करेगा वन डे इस कहानी में मैंने आपको बताया है कि वो एक दिन बड़ा होकर के कुछ करेगा तो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन दट हैव आस्ड यू ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी हैव टोल यू आई होप दैट यू हैव यू हैव लाइकड दिस वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आई है मुझे ऐसी उम्मीद है तो इसको शेयर करना ना भूलें और दूसरे लोगों से भी बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें इस तरह हम और वीडियोज आपको लेके लेके आएंगे ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और जितना प्रैक्टिस करेंगे इट विल हेल्प यू स्पीकिंग English. Thank you for watching.